दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोमैक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। रियलमी जीटी 3 या फिर जीटी नियो 5 कह लो, क्योंकि चाइना में जीटी नियो 5 के नाम से लॉन्च हुआ है, ग्लोबल कुछ जगह पे जीटी नियो 3 के नाम से गया है, जीटी 3 के नाम से गया और जीटी नियो 5 के नाम से गया हुआ है, ठीक है। अब इंडिया में भी आएगा, किस नाम से आएगा? वैसे वेरिएंट दो है, एक 240 वैट वाला है, एक 150 वैट वाला है। तो कहा जा रहा है दोनों आएगा, बहुत सारे लिस्ट वेबसाइट पे हो चुका है एंड सब कुछ आएगा, जल्दी आएगा। लेकिन चाइना में रियलमी ने इसी के छोटे भाई यानी रियलमी जीटी नियो 5 SE जो स्पेशल एडिशन है उसको लॉन्च कर दिया है एंड स्पेसिफिकेशन काफी अच्छे लगे जिस प्राइस पे आए मुझे, और मुझे ऐसा होप लगता है कि ये भी इंडिया आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और सही प्राइस पे आ गया तो ये भी काफी तगड़ा धमाल मचाने वाला है। क्या सारी चीजें सबके ऊपर डिस्कस करेंगे, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। बात करें स्पेसिफिकेशन की फटाफट, तो इसमें आपको 6.74 इंच का 1.5K OLED पैनल मिलता है, 10 बिट वाला है, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, पंचोल के साथ आता है, रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा है एंड अच्छा लगता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, देखने में पसंद आएगा आपको। चिपसेट की बात करोगे तो स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 2 के ऊपर आता है, नया चिपसेट है, अभी ज्यादा पहले लॉन्च नहीं, मतलब अभी 10-5 दिन पहले लॉन्च हुआ है। एंड 7 सीरीज का है तो ऐसा मत समझो कि यार कमजोर है, ये स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 जो है ना उसके बराबर का है परफॉर्मेंस, 1 मिलियन के ऊपर स्कोर है इसका, मतलब 10 लाख के ऊपर आता है एंड तगड़ा परफॉर्मेंस है, गेमिंग सब कर पाओगे, कोई इश्यूज नहीं आएंगे, सिर्फ नाम से छोटा है, दर्शन काफी बड़े हैं इसके। चलिए अच्छी बात है, UFS 3.1 LPDDR5 के साथ आता है तो वहां पे भी कोई इशू नहीं है, सारी चीजें कर लोगे, एंड्रॉइड 13 के ऊपर आता है तो रियलमी UI के ऊपर है तो थोड़े से ब्लोट वेयर्स रहेंगे जो आप डिलीट कर पाओगे। 64 MP का ट्रिपल कैमरा है, 64+8+2 का 16 MP का फ्रंट कैमरा है, रियर से 4K फ्रंट से 1080 कर पाओगे, बुके पैनोरमा HDR कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कैमरा भी सही है, 5500 mAh की बैटरी है, 100 वैट का चार्जर है, टाइप सी का पोर्ट है तो वहां पे भी आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे, सारी चीजें आपको भरी पूरी मिल जाती है, एक बड़ी बैटरी तगड़ी वाली, एक तगड़ा वाला फास्ट चार्जर और टाइप सी का पोर्ट। सेंसर्स की बात करोगे तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक है, एक्सेलेरोमीटर, एम्बेडेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जितने याद कर लो सारे के सारे मिल जाएंगे। 3.5 mm मिसिंग है, ठीक है, तो ये एक मिसिंग है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती है। कार्ड स्लॉट एक्सपांडेबल नहीं है यानी एक्सपांड नहीं कर पाओगे, लेकिन स्टिल जो बेस वेरिएंट है 8GB 256GB का आता है तो मुझे लगता है कि एक्सपांड करने की जरूरत भी पड़ेगी। इसके अलावा इंडिया में आएगा तो मेरे ख्याल से आपको ये वर्चुअल रैम के साथ भी आएगा तो रैम भी आप यूज कर पाओगे, 256GB मोर देन इनफ है। प्राइसिंग रखी गई है 1999 yuan, कन्वर्ट करते हो तो 23,000 रुपए के आसपास आता है। इसके अलावा 2-3 और वेरियंट्स हैं, 12GB 256GB फिर 16GB तक का है, तो ऐसे 2-3 वेरियंट्स अलग अलग प्राइस है। अब ये 23,000 में चाइना में आ रहा है, अब इंडिया में होप करते हैं 26-27,000 तक इसको रियलमी लॉन्च कर देता है ना तो ये किलर फोन हो जाएगा, लिटरली किलर। अब 8GB 128GB चालू करें 25-26,000 के आसपास, इतना क्लोज तो नहीं रख पाएंगे लेकिन मेरे हिसाब से 27-28 तक जा सकते हैं। अब लेट्स सी, देखते हैं कब तक लेकर आते हैं, लेके आते भी कि नहीं, किस प्राइस पे लेके आते हैं, सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे जैसे आएगा। वैसे रियलमी 11 प्रो प्लस की बात करोगे तो वो तो 25 पे चालू होता तो इतना क्लोज भी नहीं रहेगा, मेरे हिसाब 25 से 30 के बीच में आना चाहिए मेरे हिसाब से। लेट्स सी, देखते हैं, जैसे और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेगा आपको बता दूंगा। वेट करोगे इसका और आपके हिसाब से इसकी प्राइस इंडिया में क्या होनी चाहिए जरूर बताना। कैसा लगा वीडियो बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो वैक्टर में जिसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तो के दोस्तों जय हिंद।